हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जय गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। तो लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। तो आइए सारे क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होगा Q = ± LE होता है। तो इस फॉर्मूले में कितने अननोन है? दो अननोन है। कितने अननोन है? दो। एक क्या है? चार्ज है। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, इस पर जो वैल्यू होती है 10⁻¹⁹ कूलम, नेगेटिव नेचर की होती है। दो अननोन, दो अननोन में से अगर एक नोन हो जाए तो हम दूसरे की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज वो कितना होता है वो हमें जानना है। तो आप बताइए अल्फा पार्टिकल है क्या? दोस्तों बताइए अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल सिंपली विच इज अ न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है बताइए? हीलियम न्यूक्लियस है। क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है। और हीलियम क्या होता है बताइए? 2H4। ये ही बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को, यही बताता है। ठीक है ना? तो अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो हमें यन की वैल्यू मिल चुकी है। यन की वैल्यू 2 है। ई की वैल्यू मुझे पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और क्यों हमको फाइंड आउट करना है? बस कुछ करना नहीं है। तो आपको पता है फॉर्मूला, वी नो दैट Q will be equals to 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, Q will be equals to 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। आपने देखा तो जो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है वो कितना है? 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। आप इसे देख लिए होंगे, यही हमारा आंसर है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन लिथियम न्यूक्लियस। तो इस लिथियम पर जो चार्ज है वो कितना होगा वो हमें जानना है। तो बताइए, ये है Li73। यही मैंने बताया, यही नंबर आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। यन विल बी क्वेश्चन कितना आ गया? 3 हो गया। ठीक, तो ये बखूबी आप लोग जानते हैं ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आएगा हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक, यन मिल गया मुझे, ये पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और बताइए क्यू विल बी क्वेश्चन कितना हो जाएगा? यानी क्यू विल बी इक्वल टू 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्यू विल बी इक्वल टू 16 त्रिज्या 48 90 कूलम। इतना चार्ज होगा। अब चाहे जो न्यूक्लियस हो उसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है ना उसे में इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करके आसानी से हम चार्ज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सोडियम में बताइए यानी 11 होता है, क्यू विल बी इक्वल टू 11 × 1.6 × 10⁻¹⁹, मतलब बिना कैलकुलेशन के ये आपने देखा इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उस न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, आपने ये देखा। चलिए हटा दूं। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन के बारे में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? ये क्वेश्चन अमूमन लोग गलत कर देते हैं।
क्यों गलत करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं वन इलेक्ट्रॉन में 1.16 × 10⁻¹⁹ कूलॉम होता है, वो यही लिख के चले जाते हैं। तो दोस्तों गौर से सुनिए, ये एक कूलॉम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, ये नहीं पूछा कि ये एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलॉम होते हैं। तो यहाँ से देखिए 1.16 × 10⁻¹⁹ कूलॉम बीम रिक्वेस्ट वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ वन कूलॉम के लिए निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1.16 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, 1 कूलॉम में बी प्लस 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। रटा रटाया आंसर है ये, कभी आप भूलिए का नहीं, ठीक है ना, कभी मत भूलिए क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, इसमें डिफिशियंसी, डिफिशियंसी आप क्या होगा इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी है इस पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, होगा ना। लेकिन जब अगर डिफिशियंसी पता चल जाए तो हम बता देंगे, अगर डिफिशियंसी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो डिफिशियंसी, एक्सेस है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो एक्सेस। चलिए इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम एक एक ही एग्जांपल बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, इफ द 4.8 × 10⁻¹⁸ कूलॉम पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड देन फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ग्लास रॉड। तो बताइए हमको ये चार्ज गिवन, जब चार्ज गिवन है तो एक्सेस और डिफिशियंसी पूछ रहा है, तो बताइए एक्सेस और डिफिशियंसी कितनी होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव से पता चल रहा है क्या होगा, डिफिशियंसी होगी। चार्ज हमको गिवन है तो यह निकालना है, तो सोल्यूशन में मैं ये कहूं, सोल्यूशन में q will be equal to 4.82 × 10⁻¹⁸ कूलॉम, और ये पॉजिटिव का है, यह हमको निकालना कैसा होगा, डिफिशियंसी का होगा। क्यों, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वजह से डिफिशियंसी होगा, ये हमको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। तो वी नो दैट q will be equal to, यानी n will be equal to q by t × 10⁻¹⁹ कूलॉम बाय 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, सो 43 हो जाएगा, −18 +19 हो जाएगा, 3 × 10 बचेगा ना, 30 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी। आप लोगों ने देखा, चलिए देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर यही मैं कह दूं आपसे 3.2 नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लोथ, देन फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सिल्क क्लोथ, तो बताइए तब क्या करें। तो डायरेक्ट बताइए, पहले तो नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलॉम नेगेटिव चार्ज का है ना, यह हमको निकालना है। अब क्या हो जाएगा, माइनस है तो एक्सेस, बताया था ये हमको पता है। चलिए क्यू विल बी इक्वल टू कितना, यानी एन विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी, एन विल बी इक्वल टू बताइए, सॉरी 18 है, तो 3.2 × 10⁻¹⁸ हो जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो यह मिलती है 16 × 32 = 20 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 20 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सिल्क रॉड पे
आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसी का जस्ट अपोजिट लगाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं मुझे चार्ज गिवन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होगा और चार्ज हमको निकालना होगा। नेचर बताना और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना। नेचर तो आप एक बार नहीं बता सकते, एक्सेस है तो कैसा नेचर होगा बताएं आप, एक्सेस है तो नेगेटिव चार्ज होगा, कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो हमको यन दिया है 40 इलेक्ट्रॉन, ये हमको पता है, हमको क्यों निकालना, वो भी कैसा है नेगेटिव है, तो वी नो दैट, आपको पता है क्यू विल बी इक्वल टू, बताइए माइनस, यानी हो जाएगा माइनस नेगेटिव चार्ज है ना, 40 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलॉम, तो क्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट और ये हट जाएगा, 4 इंटू 16 हो जाएगा, 10^-19 हो जाएगा, तो ये 64 इंटू 10^-19 हो जाएगा, 6.4 इंटू 10^-18 क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव रहेगा, नेचर इसका नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें क्या करते हैं कि डिफिकल्टीज आती है। ठीक, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, यानी एक कप वाटर में कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होंगे। तो चलिए, अब आपको ये नहीं पता है कि उसमें कितना क्या है, कप ऑफ वाटर कितना वाटर है एक कप में, तो देखिए कप जो होता है सबके घर में डिफरेंट टाइप का कप होता है, कोई चाय बचाने के लिए छोटा कप रखता है, कोई बड़ा कप यूज करता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 250 ml आ सकता है, ml लिखिए चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, कोई 300 ml का रखता है, कोई 150 ml का रखता है। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू एज्यूम करके कैलकुलेशन करेंगे वो आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि जो कप है कप का साइज नहीं दिया हुआ है, कितना वाटर उसमें आता ये नहीं दिया गया है, तो उसे आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम अ कप कंटेन 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। अब इसे मैं मास में बदलना चाहूंगा, मास में, द मास ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। क्यों होगा, क्योंकि मास में इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम क्या है, ml है यानी सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी क्या, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
क्योंकि वॉल्यूम बाय वो क्या कहते हैं कि मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, वी विल बी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ग्राम सेंटीमीटर की, ये कट जाएगा, यानी जो मास आएगा वो कितना जाएगा वन ग्राम, यानी आप वन सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं वन ग्राम लिख सकते हैं आप, ठीक। तो चलिए इसीलिए मैंने इसकी जगह में ले लिया, देख लीजिए, या एक ml विल बी इक्वल टू वन ग्राम लिख सकते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वॉटर, वॉटर सेटल वॉटर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्यों 80 होगा, क्योंकि आपने देखा H2O होता है, इसमें 2 होता है ऑक्सीजन में 16 होता है, टोटल कितना 18 हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। तब बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 18 ग्राम, इसी को वन मोल भी कहते हैं, 18 ग्राम। आप जानते हैं जो नंबर ऑफ मोल होता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ गैस इज नोन एज द अवगाड्रो नंबर, तो एक मोल में कितना है 18 ग्राम है, तो एक मोल में जो अवगाड्रो संख्या होती है इतना होता है, ठीक। तो चलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा बताइए बच्चों, 6.02 × 10²³ बाय कितना 18 हो जाएगा। अब मुझे कितना निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ 250 ग्राम, वही तो निकालना है ना, इतने का है ऑफ वाटर। अब जाहिर सी बात है एक नियम आप पढ़े होंगे 10²³ 250 बाय 18। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाला, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए चार्ज निकालने के लिए, तो आप ये द ईच मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, then number of electron will be equal to 10, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा × 10²³ 250 by 18, यही हमारा n हो जाएगा 10 × 6.02 × 23 250 by 18। अब क्या चाहिए मुझे, चार्ज मैं निकालूंगा, चार्ज कितना हो जाएगा क्यू विल बी इक्वल टू, यानी होता है क्यू विल बी इक्वल टू, यह मुझे पता चल गया है 6.02 × 10²³ 250 बाई कितना हो जाएगा बताइए 18 × 1.6 × 10²⁻¹ कूलॉम, दिख रहा है भाई, ठीक। जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो जो हमारा आंसर है 1.338 × 10⁷ कूलॉम, देख लीजिए कहीं मिस तो नहीं हो रहा कुछ, ऐसा चार्ज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कप ऑफ वाटर में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस क्या होता है यह नहीं होगा, जितना इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हटाओ अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये अवगाड्रो नंबर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर वेट। अगर कोई लिक्विड दिया है ये मॉलिक्यूल्स का है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स है, अब वो देखिए किस चीज का मॉलिक्यूल्स है, अगर वाटर है तो एक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बताइए 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं
लिक्विड के लिए क्या कहते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसी में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए चार्ज निकालने के लिए। ठीक, चलिए इफ अ बॉडी गिव्स अप 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज 1 कूलम फ्रॉम इट। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो बॉडी है हमारी ईच सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होता है, इतना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए जो चार्ज होता है उसे माइक्रो कूलम पीको कूलम में लिखा जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, हम जब आप के लिए कैपेसिटर लेके आएंगे, कैपेसिटर पढ़ाएंगे, उसमें आपको पूरी आपके लिए पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा इसे। ठीक, चलिए तो हमको गिवन यन विल बी कॉस्ट 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, वो पर सेकेंड रहेगा। ठीक है ना, वो देखते हैं अब क्यू विल बी कॉस्ट क्या आ जाएगा, यदि चार्ज पर सेकेंड है ना, तो क्यू विल बी कॉस्ट यन हमारे पास इतना है 1.6 × 10^-19 कूलम। ठीक, तो क्यू विल बी कॉस्ट 1.6 × 10^-10 कूलम, ये क्यू मिल गया, ये क्या मिल गया क्यू, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब इट मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज 1.6 × 10^-10 कूलम्ब इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी इतना चार्ज फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। क्योंकि ये क्या कह रहा है, चार्ज पर सेकंड मैंने बताया था, नहीं ये क्या है, चार्ज पर सेकंड है, यानी कूलम पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड अगर यहाँ ले आते हैं तो ये क्या होता है, कूलम बाई सेकंड होता है, मैं इधर उठा रहा हूँ, चार्ज पर सेकंड है, इतना चार्ज गेट करने के लिए इतना सेकंड लगा, तो बताइए इतना कूलम, तो बताइए द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट, बताइए 1 कूलम कितना जाएगा, 1/1.6 × 10^ कितना, -10 सेकेंड। ठीक, हाँ समझ पा रहे हैं, चलिए अच्छा अब मैं ये कहूँ तो कितने टाइम पूछ रहा, टी टाइम पूछ रहा, ये क्या पूछ रहा, टी टाइम पूछ रहा, द टाइम required to get limit हो गया ना, तो 1 कूलम के लिए कितना टाइम चाहिए था, इतना चाहिए था, limit हो गया, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्यू है। यही हमारा यानी टी विल बी कॉस्ट कितना है, 1 कूलम विल बी कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1.6 × 10^ बताएं आप, -10 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, जब सेकेंड हो जाएगा इसको मैं ईयर में बदलना चाहता हूँ, टी विल बी इक्वल कितना हो जाएगा, 1.6 × 10^9 हो जाएगा, 10 × 324 × बताइए 365, आप जानते ईयर को और में और को सेकंड में बदलूंगा, ठीक है ना, तो
तो इसको सेकेंड में आर में फिर ईयर में बदल जाएगा, ये क्या हो गया होता है, ये ईयर होगा, जो इसका आंसर आएगा 198.18 ईयर आएगा। इतने टाइम बाद वो एक कूलम क्या कर लेगा, वो जनरेट कर लेगा। तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ आपको, कभी ऐसा फार्मूला आ जाए तो देखिए, ये हो गया ना शॉर्टकट में देख लीजिए आप, तो शॉर्टकट में टाइम रिक्वायर्ड क्यू विल बी इक्वल टू यू, यानी टोटल चार्ज बाई गिवन चार्ज, ठीक, टी विल बी इक्वल टू वन कूलम हमको दिया हुआ है और ये चार्ज आप फाइंड आउट कर चुके हैं, बताइए माइनस टेन क्या बात है, बिना कुछ किए एक लाइन में आंसर आपका। आप सोचेंगे सर तो इतना बड़ा क्यों बता रहे हैं, टाइम निकल गया ईयर में बदलना, तभी मैं बदला था, कितना आएगा 198.18 ईयर, कितना टाइम आ जाएगा, इतने टाइम बाद आप समझिए 198 साल बाद क्या कहते हैं वो क्या हो जाएगा, एक कूलम चार्ज जनरेट करेगा, कब, जब पर सेकेंड 10^9 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है या गेन हो रहा है, समझ में आया कि नहीं, गिव सब रिलीज हो रहा है, यहाँ रिलीज दिया है, ठीक है ना, गिव सब दिया है या देता है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the charge on 75 kg of electron? 75 kg of electron, electron के 75 kg पर कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के 75 kg पर चार्ज कितना होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो चार्ज निकल जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो हम एक फॉर्मूला बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास बाई मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो n विल बी इक्वल्स टू, मास कितना है 75 kg है, 9.1 × 10^-31 कूलम, सिंपलीफाई करने के लिए मैं इसे अप्रॉक्सीमेट में 9 लिख सकता हूँ, 31 kg चला गया, n विल बी इक्वल्स टू इसे 3×6 × 10^31, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बताइए चार्ज बताइए कितना हो जाएगा, क्यू विल बी इक्वल टू यही हो जाएगा, Q will be equals to 25/3 × 10^31 × 1.6 × 10^-19। इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो नेचर होगा माइनस का होगा, Q will be equals to −1.33 × 10^13 कूलम, ये इस पर कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने लगवाया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 6 में हम लेके आएंगे मास और चार्ज के बीच में कंपैरिजन, ठीक है ना। तो यदि आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने सवालों का जवाब पूछिए और लाइक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।